उसकी गलती में करता हूँ। मुझे याद है राजू को एक दिन मैंने सारे राजीव जब कमिश्नर थे उनको रीति मंदिर रोड पे लाया। बीच में लाते ही उन्होंने बोल दिया कि जिधर में गाड़ी पीछे हुआ और उसी इसमें उन्होंने कहा कि 8.5 करोड़ रुपया मंजूर करो और ये रास्ता पहला कर दे। ये पहला बदलाव था। अभी आप जानते हैं कि जो ब्रिज बना है अटलांटा ब्रिज उसके आजू बाजू के रास्ते कितने बड़े हुए हैं। एक जमाने में एकदम छोटा हुआ करता था वो आज बड़ा हो गया और ऐसा ही बड़ा स्टेशन तक जाएगा। तो स्टेशन का रास्ता जो कभी किसी ने सोचा नहीं था उतना बड़ा होगा, वो पूरा कंक्रीट का होगा। उसके बाद स्टेशन आया। स्टेशन के हालात क्या थे ये मैं नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन आज क्या हालात है आपके सबके नजर के सामने। फिर उसके बाद दीक्षित मैडम और चांद ने मेरे सामने एक बात लाई कि गांधीवी की बहुत औरतें नीचे उतरती है और बॉम्बे कॉलोनी उधर उधर बर्तन धोने का कपड़े धोने का काम करती है, चलने के लिए रास्ता नहीं। वो जगह थी मेक कंपनी के हाथ में। जैसे ही हमने रास्ते का काम शुरू किया जिसके लिए 80 लाख रुपए मिले थे, वैसा ही कंपनी के मालिक में उस जमाने के जॉइंट सीपी थे लक्ष्मी नारायण, उनके पास तकरार कर दी। उन्होंने रोकने की कोशिश की, हम कोर्ट गए, हमने कोर्ट से ऑर्डर लाई और वो रास्ता पूरा हुआ। आज भी रास्ता जगह पे। फिर एक रास्ता जो हमारे नजर में था वो था मित्तल रोड। बड़ी मुश्किल से हमने संजीव जायसवाल को पटाया और मित्तल रोड का काम आज मेरे घर से और 8-10 दिन में शब्बे बारात के पहले उसका पूरा लाइट ये वो सब डेकोरेशन सब पूरा हो जाएगा और वो रास्ता खुल जाएगा। पानी के हालात के लिए MIDC ने बताया था कि तुम जब तक संपर्क पंप नहीं करोगे तब तक कोमरा के पानी के हाल सुधरेंगे नहीं। मैं यही कहता हूँ कि पूरा कोमरा के हाल सुधर गए, लेकिन 27 करोड़ रुपए की एक टंकी छोड़ के सब टंकियां हो गई। एक टंकी मेरे ख्याल से देवलीपाड़ा में बाकी होगा, टंकी का काम चालू है लेकिन बराबर है ना, लेकिन थोड़ा बहुत रुका हुआ है पैसे के कारण। उसके बाद MMRDA का ब्रिज हुआ, उसके बाद हमारी सरकार थी तब कैबिनेट डिसीजन हुआ जिसमें मैं मंत्री था और वो बोगदे का जो आगे देवेंद्र फडणवीस जी के गवर्नमेंट ने जो आगे लेके गए काम, वो काम मेरे हम लोग जो जो उस कैबिनेट में मिनिस्टर थे उसी कैबिनेट में मंजूर हुआ था। तो ये बड़े काम में गिनवा रहा हूं। उसमें सबसे बड़ा काम था कब्रिस्तान। आदमी आए कब्रिस्तान, मुझे लगता है कि खुदा ने मेरे हाथ से काम कोरोना के कारण करवा लिया था। मुमरा में कोई कब्रिस्तान नहीं था, कौसा कब्रिस्तान के हालात खराब थे, जगह नहीं थी, लोग कब्रिस्तान की मांग कर रहे थे। एक प्राइवेट जमीन पे रिजर्वेशन लाके उस प्राइवेट मालिक को जबरदस्ती करके हमने कब्रिस्तान शुरू किया। आज वहां पे 4,500 के ऊपर मैयत दफन है, उसमें से कम 700 मैयत ये कोरोना के हैं। वो जमाना था जब कोरोना के टाइम कोई मैयत को हाथ लगाने को तैयार नहीं था,
कोई नमाज पढ़ने को तैयार नहीं था, किसकी बॉडी है कौन लाता है कोई पूछने वाला नहीं था। तब उमरा के 5-6 नौजवान ऐसे थे जो बॉडी हाथ में लेते थे, गुसल करते थे, उसको मिट्टी भी देते थे। 6 जन के ऊपर कोई आदमी नहीं था कब्रिस्तान में जाने वाला। कोई अगर ये बोले कि मैंने जाके मैं कब्रिस्तान में मेरे वालिद का इंतकाल हुआ तो मैंने दफनाया, तो पहले 4 महीने में और दूसरी जब दौर आया उसके 3 महीने में कब्रिस्तान में 4 ही आदमी मौजूद हुआ करते थे। जिस 4 आदमियों से मैं हमेशा संपर्क में रहता था, कभी अमरनाथ से फोन आता था, कभी उल्लासनगर से फोन आता था, कभी कहां से फोन आता था, लेकिन हमने दिन में तय कर लिया था कि कब्रिस्तान 24 घंटा हर आदमी के लिए खड़ा रहेगा, खुला रहेगा जो इंसानियत की मांगती। बंबई में अच्छे अच्छे कब्रिस्तान को ताला लगा दिया था, हमारे पास हर इलाके के मुर्दे आए जो बेचारे कोरोना से जिनकी मैयत हुई थी, इतना इंतकाल हुआ था, लेकिन अल्लाह खुदा ने हमारे हाथ से ये काम करवा लिया था। तो खुदा की मर्जी थी तो उनको जगह देनी देना, ये खुदा का ये आदेश था, वैसा हुआ, उनको जगह देके जब सभी ने उनको इनकार कर दिया तो हमने वो जगह देके पूरी कर। अब लोगों को ये भी मालूम नहीं कि लाइब्रेरी कहाँ बन रही है, लेकिन बोलते लाइब्रेरी बनती ही नहीं है, बन ही नहीं रही है। आपको अगर टाइम हो कल परसों तो मैं आपको जगह बता दूंगा जहां लाइब्रेरी का काम जोरों से चालू है। अभी कुछ रोज में ये रास्ता शुरू हो जाएगा, ये रास्ता निकलेगा ये आइल ऑफ कौसा के बाजू से लेफ्ट में जाता है नादुल फला की तरफ, नादुल फला से एक रास्ता निकलेगा वो जाएगा वाई जंक्शन की तरफ। ये प्रयास इसके लिए है ताकि मेन रोड का ट्रैफिक कम हो जाए। ये अभी तक के काम मैंने गिनवा दिए। अब म्युनिसिपैलिटी की एक पॉलिसी है AR पॉलिसी, जिसको बोलते हैं अकोमोडेशन रिजर्वेशन। उस अकोमोडेशन रिजर्वेशन में कोई हाथ नहीं डालता है, क्योंकि जो रिजर्वेशन है वो बांध के देना पड़ता है। तो ऐसे हमारे पास 5-6 रिजर्वेशन है बड़े बड़े जो बांध के देने पड़ेंगे म्युनिसिपैलिटी को, और उसके बदले में उनको बिल्डिंगें बांध देने को मिलेगी। ये पूरा प्रोजेक्ट पास हो चुका है, आने वाले 2 महीने में ये मार्केट बन जाएगा जिसका प्लान हमारे पास तैयार है और इसका अप्रूवल आ गया है। ये स्कूल और कॉलेज है जो प्लान में डाला गया है, ये 19-2024 के पहले इसके सब के 3 मंजिले पूरे हो जाएंगे। ये है PMT का बस डेपो जो आने वाले 2 महीने में काम शुरू हो जाएगा, और ये ड्रामा थिएटर है पर हम उसको उर्दू घर में पर उसको बदल रहे हैं कि उर्दू घर बनवाएंगे। ये चारों काम अंडर AR पॉलिसी किए जाएंगे जिसके प्लान पास करके हमने हमारे पास लिए है। रही स्लॉटर हाउस की बात, तो आज क्या तारीख है, 20 फरवरी। मैं फिर से 20 मार्च में तो 22 मार्च को फिर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लूंगा और स्लॉटर हाउस कहां बनने वाला है इसकी एग्जैक्ट जगह बताऊंगा। मेरे पास प्लान है, सब है, लेकिन उसमें कुछ फॉरेन कंपनियों से हम बात कर रहे हैं। वो बात हमारी अगर सक्सेसफुल होती है तभी हम जाके वो प्लान आपको बताएंगे, तब तक हम रुके रहेंगे। लेकिन इतनी बात मैं आपके द्वारा मुमरा के सभी जनता को बताना चाहता हूँ, मुमरा कुंसा शील फाटा, कि भाई स्लॉटर हाउस आने वाले 2024 के पहले, यही नहीं मेरे ख्याल से 2023 फरवरी है, हम 2024 जनवरी तक स्लॉटर हाउस पूरा कर डालेंगे। उसके बाद
मुमरा में ये देखा जाता है कि गरीबों को शादी करने में दिक्कत होती है। तो हम एक जगह पे आने वाले महीने भर में उसका नारियल फूटने का काम हो जाएगा और फिर उड़ जाएगा, यानी लाइब्रेरी उठ रही है वो बड़ा हॉल उड़ जाएगा, ग्राउंड प्लस वन का हॉल बनेगा, कम से कम 1000 लोग वहां पे बैठ सकेंगे। तो स्कूलों को भी जब तकलीफ होती है कि अपनी गैदरिंग कहाँ करें, अपने वार्षिक सम्मेलन है वह कहाँ करें, कुछ जात जमात रहती है कि उनको भी जगह लगती है, हॉल लगता है, वो ऐसा हॉल मुमरा के सबसे अच्छे जगह पे हम लेके आ रहे हैं, उसका फाइनल कॉल आ गया है। हॉस्पिटल जो लोग चिल्ला रहे हैं कि प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, प्राइवेट हो रहा है, मैं उनको बताता हूं कि ये कैशलेस हॉस्पिटल है। भारत सरकार की और राज्य सरकार की सभी योजनाओं में ऐसी सब बीमारियां हैं जो इंसान को होती है, जिसका पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट देती है, वो डॉक्टर खुद ले लेता है, लेकिन वो सर्विस देते टाइम तुम्हारे से पैसा नहीं लेता, उसको गवर्नमेंट से आएगा और गवर्नमेंट से अच्छा पैसा आता है। कोई डॉक्टर लॉस एंड प्रॉफिट में जाके काम नहीं करता है, प्रॉफिट के सिवा कोई धंधे वाला काम नहीं करता है। तो ये मैंने अभी आते आते पूछा, तो ये फाइनल कॉल पे है हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल का फाइनल होता है आने वाले महीने भर में, तो मेरे ख्याल से अप्रैल के आखिरी तक ये हॉस्पिटल किसी एक के ताबे में जाके वो हॉस्पिटल शुरू कर देगा। उसमें भी डायलिसिस मशीन शुरू है, वहां पे पेडियाट्रिक्स का ये चालू है, सब इलाज चालू है। कोरोना के काल में हमारे सभी लोगों ने, यहाँ बैठे हुए सभी लोगों ने बहुत जबरदस्त काम किया, घर घर खाना पहुंचाया, लोगों की हिफाजत की। जब लोगों को टॉक्लिसुमाब और रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं मिल रहा था तो हमने उसका सप्लाई हॉस्पिटल को भी करवाया, यानी कल से कल को सबसे ज्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन अगर किसी ने लिए होंगे तो ये हमारे ही लोगों ने वहां पे सप्लाई करके दिया। ऐसे ही नहीं तो लोगों के बॉम्बे कॉलोनी में जुबेर मच्छी वाला रहता था, जो बेचारा हमारा सबका ही दोस्त था, उसको जब इंजेक्शन लगा तब उसको कहीं नहीं मिला, टॉक्लिसुमाब भी नहीं मिला और रेमडेसिविर भी नहीं मिला। मैंने मेरे घर से फ्रिज से निकाल के उसको 8 रेमडेसिविर दिए और 2 टॉक्लिसुमाब दिए, तो बेचारा लेकिन नहीं बच सका। लेकिन ऐसे कई लोगों को हमने रेमडेसिविर और टॉक्लिसुमाब जो 40,000 का इंजेक्शन था ऐसे ही दे दिए कि खुदा से आए थे हमारे पास, खुदा की मर्जी थी, हमने बांट दी। हमने सभी ने मिलके प्रयास करके 18 करोड़ रुपए का कोरोना का अस्पताल इधर लाया था, 18 करोड़ रुपया खर्चा करके। उसके जो वेंटिलेटर्स थे वो इंपोर्टेड थे, फ्रांस से लाए थे, जो किसी भी हॉस्पिटल में थाना में नहीं थे। हमारे पास आईसीयू था, हमारे पास कम से कम 100 वेंटिलेटर्स थे, वेंटिलेटर्स मिलते नहीं थे। एक जमाना ऐसा आया था कोरोना में लोगों को बॉडी लेके यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां भागना पड़ता था, लेकिन हमारे यहाँ हॉस्पिटल आने से एक तकलीफ दूर हुई कि लोग आते थे यहीं पे रहते थे। कोकन से 1200 लोग यहाँ पे एडमिट, यानी क्या बोलते उसको, इलाज करवाने आए थे 1200 लोग। बंबई से आए क्योंकि मुफ्त में होता था इलाज, कोई दिक्कत नहीं थी, हमारे भी लोग काम कर रहे थे, सभी लोग उसमें घुस-घुस के काम कर रहे थे। मैं चिल्लाता था भी, चिल्लाता भी था कि आप मत जाओ, आपको हो जाएगा कोरोना, बच के रहो। लेकिन ये डेरिंग पास लोग हैं, इन लोग जाते थे करते थे, क्योंकि मैं जिस हालात से मैं बाहर आया हूँ शायद मुझे खुदा ने फिर से आप लोगों की सेवा करने ही भेजा है। मैं इतना एहसान कभी भी नहीं भूल सकता कि आज मैं जिस जगह पे हूं, जहां भी हूं, उसमें अगर सबसे बड़ा हाथ किसका है,
तो एक शरद पवार जी का और एक बुमराह है। मैं पहली बार जब चुनाव लड़ा तो बाप ने मुझे लीड दी, मुझे लीड देके आमदार बनाया, मुझे काम करने का मौका मिला और मेरी काम पे ताकत पे मैंने दिखा दिया कि मैं काम कर सकता हूं। बदलते दिनों में फिर कलवा वासियों को भी पता चला कि यह काम करता है, कलवा वाले भी अपने साथ आए। आज मैं ये कह सकता हूं कि मुमरा और कलवा साथ साथ में चल रहे हैं। कलवा में एक भी सोसाइटी ऐसी नहीं जहां कॉन्क्रीटीकरण नहीं हुआ। आपके जो जहन में था एक अच्छी चीज हमारे यहाँ बननी चाहिए जाके हमारे बच्चे घूम सके, तो आप जाके देख सकते हैं कि चौपाटी का काम शुरू हो गया, बड़ी जोर से चालू। अब यह सवाल आप पूछेंगे कि आप यह कैसा कह सकते कि आपने किया, मैं नहीं कहता हूं मैंने किया, पर कंसेप्चुअलाइजेशन सोचना ये बड़ी बात होती है। ये 2009 के बाद 2014 का मेरा किताब देखो, उस 2014 के किताब में चौपाटी का मैंने उल्लेख कर दिया है कि चौपाटी बन गया। वहां पे जोशी मैडम करके मैडम थी, कलेक्टर, जब उससे बात की उसको ये पसंद आया। पहले उसके पहले जो कलेक्टर था उनका नाम भूल गया मैं, जराड़ ने बोला मेरे को मैं करता हूं, लेकिन गणेश नाइक ने उसको रोक दिया तो वो कर नहीं पाया। लेकिन मनीष ये जोशी मैडम ऐसी थी जो किसी की सुनती नहीं थी, उसने हाईकोर्ट गई और हाईकोर्ट से ये ऑर्डर लेके आई कि ये जमीन के ऊपर अतिक्रमण हुआ है, कोई इसके ऊपर नहीं रह सकता है। और उसने पर उसने निकालने के पहले ही खेल हुआ, कुछ बीजेपी के लोगों ने देवेंद्र फडणवीस जी को जाके बताया तो देवेंद्र फडणवीस जी ने वो काम रोकने को, और हाईकोर्ट का ऑर्डर आ चुका था। मेरे और जयसवाल साहब के बहुत अच्छे करीबी संबंध है, मैंने एक दिन उनको ये पूरा इलाका घूम के बताया और मैंने कहा पर आप ये काम कर दोगे तो इतिहास आपको याद रखेगा, क्योंकि अगर घूमने आएंगे यहाँ पे लोग तो लोग अंबरनाथ, कल्याण, भिवंडी सब जगह से ये चौपाटी पे घूमने आएंगे, और क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह शायद ही मुमरा में, शायद ही कलवा में, क्योंकि यहाँ पे घूमने के लिए जगह ही। उस आदमी ने मेरे प्यार में, मुमरा और कलवा के प्यार में और थाना के प्यार में उन्होंने वो मान्यता दी। कुछ एनओसी बाकी थी इसलिए देरी लगी, वो एनओसी आ गई है, अब वहां पे चौपाटी काम जोरों से शुरू है। जो एस्केलेटर 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 लोग पूछते थे, सवाल मुझसे ही पूछे जाते थे, मैं बहुत खुश होता हूं कि मुमरा में चिल्का भी गिरता है, क्या वो केले का, तो लोग मुझे पूछते हैं। एस्केलेटर नहीं है तो भी मुझे पूछते हैं, किसने कुछ कहा तो उसको कभी भी कुछ नहीं पूछते, लेकिन मैं कुछ कहा तो ऐसे कुत्ते हैं मेरे पर कि मैं ही समझ नहीं पाता कि हुआ क्या है। तो ये सब काम मैंने आपको दिखाए हैं और मैंने जितने काम किए हैं गिनके दिखाए हैं, मैं कोई क्रेडिट लेने वाली बात नहीं बताता हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि नजर के सामने लाइए 2009 के पहले का मुमरा और नजर पर लाइए 2009 के बाद का मुमरा। आप 2009 के पहले क्यों ऐसे रास्ते नहीं बना पाए थे और 2009 के बाद क्यों ऐसे रास्ते बने? 2009 के पहले क्यों स्टेशन नहीं सुधरा? 2009 के बाद स्टेशन क्यों सुधरा? 2009 के पहले क्यों रिकिमंदर रोड बड़ा नहीं हुआ और 2009 के बाद वो बड़ा क्यों हुआ? 2009 के बाद मित्तल रोड क्यों आया, वो पहले क्यों नहीं आया? आप देखिए टोरेंट पे बहस हो सकती है, मैं भी तोरण पे कुछ नहीं हूं, लेकिन ग्रेजुएशन का परसेंटेज निकालिए, मुमरा में लाइट अच्छी होने के बाद शायद आपको मालूम नहीं 32 डॉक्टर हुए, 32 डॉक्टर एमबीबीएस। जो मैंने परसों क्लिनिक खोला मेडफोर, उसमें वो निजाम भाई उसके पार्टनर है,
His son is a doctor. हमको ये इश्तिमा हो रहा था यहाँ पे, एक लड़का भागते भागते आया, मेरे से हाथ मिला। मैंने बोला बेटा क्या करता है तू? तो बोले मैं BARC में इंजीनियर हूँ। कहाँ बोला? BARC में इंजीनियर हूँ। मैंने बोला तू कहाँ गया? तो बोले मैं मोहरा में रहता हूँ सर। पर इतना ही है कि मैं बाहर घूमता फिरता नहीं हूँ, कि मेरी बहुत सेंसिटिव पोस्टिंग है, मुझे लफड़े झमेले में नहीं आना। तो मैंने बोला भाई बेटा बहुत अच्छा। फिर उसने इनके सामने कहा कि साहब डेवलपमेंट अच्छी हुई, उम्रा सुधर गया, अब वो परेशान नहीं है कि पानी नहीं है, लाइट नहीं है, बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसा है कि लाइट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, तो रात पे रात जब लाइट जाती है परेशानी होती है, नींद टूट जाती है, नींद टूटने के बाद नींद आने के लिए घंटे लगते हैं, और उसमें पढ़ाई का जो मसला है शाम के बाद वो अब नहीं आता है। ठीक है, अपन बंद कर देंगे वो टोरेंट का, जो भी लफड़ा है आने वाले दिनों में, मैं खुद टोरेंट में जाके बैठने वाला हूं, वो भी मसला खत्म कर दूं। सबसे बड़ा एडवांटेज जो उम्रा में आया वो है लिटरेसी परसेंटेज का, साक्षरता जो बढ़ी वो इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से बढ़ी। मुमरा में जो सर इंफ्रास्ट्रक्चर से कैसे बढ़ी जरा एक्सप्लेन। जरा एक मिनट भाई, जरा चुप बैठो ना, जरा मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा मैं सुनने के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपसे सवाल न करे। मैंने ये पहला ही बोला है कि मैं मेरी बात रखूंगा, आपको बाद में जो सवाल पूछना है पूछ लेना। तो एजुकेशन पे इंफ्रास्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हो, उससे रिलेटेड मेरा सवाल है। हाँ तो क्या गलत सवाल कर दिया? तो आपने बाद में पूछिए ना, मैं क्या आपसे रोक रहा हूँ? नहीं, दो घंटा आप बोलेंगे और उसके बाद दो घंटे तक हम सवाल करेंगे, इतनी बड़ी लंबी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे निकालेंगे? मैं मेरा पूरा कर रहे थे, मेरे दो तीन मिनट बाकी है, फिर आप बात करिए, आप पूछिएगा जवाब देंगे। ठीक है, कीजिए, पूछिएगा। ये बदलाव जो आए उससे हालात, जाहिद भाई एक भाई मेरी वो पूछेगा उसके बाद आपको मालूम है 2009 में यहाँ में 1800 रुपये में फ्लैट बेचा जाता था, आज मुमरा में 6000 5500 6000 में फ्लैट बेचे जाते हैं। मुझे मालूम नहीं, इनको ही मालूम होगा भाव क्या है। ये बदलाव के कारण यहां से लेके शिलफाटा तक हजारों बिल्डिंगें ऑफिशियल खड़ी हो रही है, और जहां ऑफिशियली लोग रहने को आ रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है अपने इलाके में रहने के लिए, तो आप देखिए दोस्ती, आप देखिए नाइस वर्ल्ड, आप देखिए अटलांटा, ये सब कौसा की हद के बाहर है, डावला गांव के बाहर है। लेकिन ये डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से आई, और एजुकेशन भी अच्छा होने लगा, टीचर्स आने लगी, वो डॉक्टर डॉक्टर अजहर, उसने बताया था कि हम जब पढ़ते थे तब कुछ हद तक टीचर्स उतना दमदार नहीं थी, यानी व्हाट आई मीन टू से, तो बोले उसके बाद एक बदलाव आया जब टीचर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके सिखाने लगे। ये बदलाव बोलते हैं उसको। आज मेस्को में एडमिशन लेने जाओ तो लाइन लगानी पड़ती है, आज सिम्बायोसिस में एडमिशन लेने को जाओ तो लाइन लगानी पड़ती है। तो ये जो बदलाव है, ये बदलाव पॉपुलेशन कब बढ़ता है? पॉपुलेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने के बाद बदलता है, बढ़ता है, नहीं तो कौन क्यों रहने को आएगा यहाँ पे। तो ये और बदलाव आएंगे। और मुमरा में एक बैंक थी, एक बैंक जब मैं आया था बॉम्बे कॉलोनी के दाभोलकर के रोड पे राइट हैंड साइड पे एक बैंक है, आज मालूम नहीं कितनी बैंकें हैं। मुमरा में लोन नहीं मिलता था, मुमरा में ब्लैकबुक को ब्लैकलिस्ट में डाला गया था, अब लोन मिलते हैं, बैंक खुल रही है। एक जमाना था कि ATS हो, CBI हो, नहीं तो बॉम्बे क्राइम हो, कभी भी मुटके घुस जाती थी। आप बताइए मुझे, अब कभी कुंभी ऑपरेशन हुआ है, कोई गुस्सा है यहाँ पर? ये सब मुझे बताइए आप, तो मैं आपके सवालों का जवाब दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये जो काम मैंने बताए हैं उसका मुमरा वासियों को बहुत फायदा होगा, खास करके जो हॉकर्स रस्ते में बैठते हैं,
उनको बैठने के लिए जगह हो जाएगी। और मुंब्रा का जो मेन रोड है, जो एक जमाने में बॉम्बे पुणा रोड हुआ करता था, वो मुक्त हो जाएगा, तो ट्रैफिक क्लियरेंस और हो जाएगा और मुंब्रा की और तरक्की होती रहेगी। एक रास्ता जो बनेगा वो चुवा ब्रिज को लेके मित्तल रोड को ज्वाइन हो जाएगा, तो रिक्शा से जो कौसा की तरफ जाने वाली आबादी है, अमीराबाद, सुकून, ग्रेस, ये सभी यानी फिर नादुल फला के वो पट्टी में, वो सबको एक आसान सा रास्ता हो जाएगा कि आप इधर से कट मारो, अंदर आओ, मित्तल रोड पे आओ और मित्तल रोड पे जाके आप चले जाओ। हमारी कोशिश अब ये है कि कुछ स्कूल्स लाई जाए ताकि मुंब्रा के बहुत बच्चे ऐरोली और पनवेल जाते हैं सीखने के लिए, कुछ इंटरनेशनल स्कूल्स लाई जाए ताकि यहाँ पे बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिले। ये सब स्कूल्स लाने के लिए पहले इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो तो कोई यहाँ पे आएगा नहीं। लाइट जाती नहीं है तभी इंडस्ट्रीज बढ़ती है, जब लाइट जाती है तब इंडस्ट्रीज आना नहीं चाहती, क्योंकि इंडस्ट्रीज को लाइट परवड़ती है, इन्वर्टर और क्या बोलते हैं उसको दूसरी जनरेटर ये नहीं परवड़ता है, इंडस्ट्रीज मार खा जाती है खर्चे। आज एक जमाने में मैक में लोग गाला बेचते थे, भाई गाला ले लो, आज मुझे जाके बताओ एक गाला खरीद के वहां पे लोग गाला नहीं छोड़ते। जो 2009 में जो भाव था, आज उसका भाव 40% मतलब 4% ऊपर, चार दाम ऊपर हो गया। तो ये कैसे हुआ, अचानक हुआ? इसको ही बोलता है कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बदल गया तो भाव आ गया। तो ये काम ऐसा ही नहीं हुआ, इन लोगों ने जो मेहनत की, जैसे मैंने सब ये काम किए तो अश्विन ने अलमास में सुधराव लाया, शानू ने दरगाह रोड पे सुधराव लाया, किसी ने रशीद कंपाउंड में सुधार लाया, किसी ने जफर शादी महल हॉल के इधर सुधराव लाया, जफर रोमानी ने, सभी नगर सेवकों ने अपने अपने हलके को संभाला और सुधारा, इसलिए गलियां भी कॉन्क्रीट की हो गई। आज औरतें क्यों दिवा देती है, औरतों को चलने में आसानी होती है, रास्ते अच्छे हैं, ऊपर से लाइट है तो कोई डर नहीं है, बच्चे खुश है कि रास्ते अच्छे हैं, आज सुधरा हुआ उम्रा जब देखते हैं स्टेशन से, अगर दोस्तों को बुलाए तो वो स्टेशन नहीं दिखता जहाँ पे आते ही सामने मुर्गे की टांग, सामने ही मच्छी, सामने ही बकरे की टांग। तो दोस्त आते समय सोचते थे कि सर क्या कौन से शर्मे लाइए, आज हमारे ही लोग बंबई से अपने दोस्त को बुलाते हैं, दावत देते हैं, खाना खाते हैं और अपना शहर कैसा है लोगों को बताते हैं। मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि आप जाइए गोवंडी, आप जाइए भारत नगर, आप जाइए भिवंडी, आप जाइए मालेगांव और बताइए मुझे कि ऐसे रास्ते, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर कौन से शहर। मैं ये कुछ बुढ़प्पन की बात नहीं कर रहा, लेकिन काम हुआ है, काम खुदा ने किया, मैं नहीं कहता हूं मैंने किया, मैं जरिया बन सकता हूं लेकिन मैं खुदा नहीं बन सकता। तो खुदा ने यह काम मेरे से करवाया और मैं आज भी कहता हूं कि मुझे बड़ा बनाने में सबसे बड़ा अगर हाथ किसी का है तो वो मुंब्रा वासियों का है। मैं उनके जो एहसान मेरे पे है वो एहसानों का बोझ मैं कभी भी उतार नहीं सकता। खुदा हाफिज, नमस्कार। ऐसा हैंगिंग मार्केट के बारे में जब अनाउंसमेंट हुई तो हैंगिंग मार्केट को स्टेयरकेस थी और स्टेयरकेस का प्रॉब्लम ये था कि अपने लोगों को स्टेयरकेस चढ़ना ये पॉसिबल नहीं था, तो वो प्रोजेक्ट उन्होंने कैंसिल किया, तो हमने उसका पर्याय करके ये मार्केट का प्रॉब्लम था। आज सर मुंब्रा और कलवा का सबसे बड़ा दर्द है टोरेंट, और ये टोरेंट जिस मकसद से, मुझे आपके सवाल का जवाब देने दो कि कलवा में कोई आदमी टोरेंट के बारे में बात नहीं करता है, मुंब्रा में बात करते हैं, उनके सवालों का जवाब आने वाले दिनों में टोरेंट के साथ बैठ के हम देंगे।
टोरेंट का जो मसला है, अब पहले तो हमने आपको बताने की कोशिश की लेकिन आप समझे नहीं कि आपको पहली बात बता देता हूँ कि टोरेंट मैंने नहीं लाया था। टोरेंट उस जमाने में आया जब देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर थे और भाजपा की सत्ता थी। अब आपने मांग की थी सर, उसने ये नहीं कहा कि आपने मांग की थी, उसने ये कहा कि मुझे अच्छा लगा कि जितेंद्र आवाड़ को फ्रेंचाइजी के लिए बोल रहा है। एक लोग बात करो भाई, बाल भाई एक एक लोग, आप लोग एक पत्रकार एक बात पूछे ना भाई, आप लोग वो क्लिप देख लो, देवेंद्र फडणवीस क्या कहता है ये देख लो, और उसने किस जगह में मेरा नाम लिया है वो चला दी। अच्छा सर आपने एक मिनट, मैंने देवेंद्र फडणवीस को एमएसईबी के लिए 12 करोड़ रुपए मांग की थी कि हमकी हमारी वायरिंग हमारे जो भी ट्रांसफार्मर से वो बदल लें, वो बोला मुझे घर को नहीं जमेगा, मैं नहीं दे सकता हूँ पैसे ही नहीं है और यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है, हमको प्राइवेटाइजेशन के सिवा कुछ नहीं जानता है। तो हम भी हालत हमारे खराब थे, कभी रात को 3 बजे आना पड़ता था, रात को 2 बजे आना पड़ता था, तो मैंने बोला ठीक है करवा। टेंडर निकला, वो टेंडर 6 लोगों ने भरा, टेंडर खुलने में नहीं जाता था, मैं मिनिस्टर नहीं था, मिनिस्टर बावनकुड़े था, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस था, कंपनी तय करने का मेरा अधिकार नहीं है और प्राइवेटाइजेशन से मुमरा में नहीं आया, आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में प्राइवेटाइजेशन आ रहा है, जिसके लिए ये जो एमएमआर रीजन है उसके लिए 2 जनों ने टेंडर भरा है, एक अडानी ने और एक टाटा ने। ये पूरा जो बीच में स्ट्राइक हुआ, शायद आपको पता होगा बीच में एक बड़ा स्ट्राइक हुआ, पूरे महाराष्ट्र के एमएसईबी के इंजीनियर ने बंद करवा दिया था प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ, तब उन्होंने कहा कि तुमको तकलीफ नहीं होगी लेकिन प्राइवेटाइजेशन हम रोक नहीं सकते, तो प्राइवेटाइजेशन अब पूरे महाराष्ट्र में आ रहा है। दूसरी चीज कि प्राइवेटाइजेशन भी आता है तो इलेक्ट्रिसिटी के यूनिट का दाम ये गवर्नमेंट तय नहीं करती, महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिकल रेगुलेशन अथॉरिटी है MERC, वो अथॉरिटी तय करती है कि तुम्हारे यूनिट का भाव क्या होगा। तो तुम्हारे यूनिट का भाव चंद्रपुर में जो है वही मुमरा में है, मालेगांव में जो है वही मुमरा में है, अकोला में जो है वही मुमरा में है, रत्नागिरी में जो है वही मुमरा में है। तो मुमरा में कोई भाव बढ़ाता है, रत्नागिरी में कोई भाव कम करता है, ऐसा नहीं होता। तो आपके मन में अगर कुछ है कि ऐसा होता है तो ऐसा नहीं होता है। वो बात तो सही है, आपने एक वीडियो में कहा था कि टोरेंट को टोरेंट से बात की आपने कि पीडी के जो बिल है वो साइड में रख के न्यू लोग नया कनेक्शन, पीडी के बारे में नहीं बोला था मैंने, मैंने कहा था आपके अगर आपके पास एमएसईबी के मीटर है लगे हुए है, मीटर निकालो साइड में रख दो, नया मीटर लगा, वो मीटर को इतिहास समझ लो, नए मीटर से आपका कनेक्शन शुरू आ जाएगा, नए मीटर का बिल भर दो। दूसरी चीज अगर आपके बिल पे बिल आता है और उसके ऊपर टोरेंट का बिल आता है और बाद में साइड में एमएसईबी का बिल आता है तो आप एमएसईबी का बिल मत भरो, आप सिर्फ टोरेंट का बिल भरो, आपको एमएसईबी बिल के लिए पूछा भी नहीं जाएगा। ये दो बातें मैंने रखी थी और आज भी रख रहा हूं। उसके बारे में ही आने वाले दिनों में मैं एमएसईबी के उसके मालिक को ही बुलाने वाला हूं टोरेंट के और वहीं पे ये फैसला किया जाएगा। एक बात साहब जरूर करना, जो पीडी का आप मुझे मिलिए, तुम्हारी पूरी बात मैं आपके साथ को लेके जाऊंगा टोरेंट में, आप भी वहां बात करना। पहले बोले थे लेके जाऊंगा, मैं 100% लोगों के सामने बोल रहा हूं ना, इकबाल भारती को लेके जाऊंगा टोरेंट में। पहले
फेडरेशन तो अपना ही मसला है, लेकिन उसके बाद में जो प्रशासन आता है वो पार्शियल हो जाता है, उसके बारे में क्या? पार्शियल यानी देखिए अभी कितने मसले ऐसे हो जाते हैं कि जहाँ पर जो बिल्कुल सुनवाई नहीं होती, दागी टोपी बुरका देख लिए तो वो पकड़ देते हैं। देखो ये बात मेरे से मत करिए, इस बात से मैं ये बात से कभी नहीं, हम अपने अनुभव बोल रहे हैं। मैं ये हिंदू मुसलमान मानता नहीं हूँ कि ये कंपनी में मुसलमान है। अभी टोरेंट के सभी कॉन्ट्रैक्टर लगभग मुसलमान है, ये मालूम है आपको? वो भी कलवा में, वो भी कलवा में काम करते हैं, कभी ऐसी दिक्कत और कंप्लेंट नहीं आई कि ये मुसलमान क्यों कॉन्ट्रैक्टर है। तो ये बात ऐसी मत करो, ये जो अपने जहन में जाता है ना ये पूरा माहौल खराब कर देता है। हाथ जोड़ की विनती है इसके ऊपर, आपको आपको ऐसा अगर केस आता है तो मेरे पास लेके आइए, जो वहां पे बैठा है उसके कान के नीचे पड़ेगी और न्याय मिल जाएगा। मैं क्या बोला आपको, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बात करने वाली चीज नहीं, आप मुझे आके पूछिए, उसको एक झपड़ दूंगा और काम करवा दी। इंडिविजुअल सवाल कर लो भाई, जिसको फिर बाद में लंबा हो रही। ऐसा है प्लेग्राउंड आ जाएगा, प्लेग्राउंड तैयार है, 3 एकड़ का प्लेग्राउंड हमेशा के लिए गुमराह को अर्पित किया जाए। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बहुत सारे जो विकास हुए शहर के अंदर वो आपने गिनवाए और जो होने वाले विकास उसकी भी आपने बात रखी, लेकिन सर इतने 3-3.5 किलोमीटर का शहर लेकिन शौचालय की कमी नजर आती है, लोग बहुत परेशान हो जाते हैं शौचालय में, खासकर महिलाएं वो बहुत परेशान है। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सवाल मोहित भाई आपने पूछ लिया, इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा और इसमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अच्छा हुआ कि एक अच्छा सवाल तुमने मेरे दिमाग में डाल दिया, ये मैं किसी भी हालत में करवा के इसमें कोई बहुत अच्छी बात इम्प्रूवमेंट अगर आ सकती है तो ले आओ। हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट करने के नहीं, मेडिकल कॉलेज के लिए 500 बेड का हॉस्पिटल लगता है, जैसे 100 बेड का है, और यहाँ से 10 किलोमीटर पे राजीव गांधी मेडिकल कॉलेज है, तो इतने नजदीक मेडिकल कॉलेज नहीं बन सकते। आजो असर नहीं है भूमिपुत्रांसाठी, जो राखीव ठेवलेली जमीन आहे ती त्यांना देण्यात येणार आहे, भूमिपुत्रांनाही न्याय मिळणार आहे। गव्हर्नमेंट जरी त्यांचं असलं, म्हणजे शिंदे आणि फडणवीस यांचं जरी असलं, तरी निर्णय झालेले की कुठे जागा द्यायची आणि ती जागा भूमिपुत्रांना दिली जाणार। ट्रैफिक की समस्या को ही जो इट इज अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये रस्ते बड़े बनाना, ये नए रस्ते लाना, ये इसी के लिए लाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक कम हो जाए। ऐसा है कि जब मार्केट तोड़ा जाता है तो आप लोगों की तरफ से ही बातें की जाती है कि मुसलमानों के पेट पे लात मारी जाए। जब मार्केट वहां पे रहता है तो आप सवाल पूछते हैं ट्रैफिक क्यों हो रहा है, तो मैं क्या जवाब दूं आपको? सर प्रशासन भी थोड़ा ढीला है सर, पार्किंग ऐसा है, स्टाफ का भी उनके पास में बोलते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। मैंने खड़े होके कितने बार मार्केट तोड़ा है, मैंने खड़े होके, तो इस बात के ऊपर ज्यादा बहस करना है। अकेले मार्केट सर खाली है, पार्किंग वगैरह भी होती है, वो अभी ऐसा है मार्केट भी हल नहीं है ना सर, जो और मीटिंग के अलावा पार्किंग है सिटी में, ऐसा है ऐसा है पार्किंग ऐसा है ऐसा है ऐसा है कि पार्किंग बदलापुर और थाना से आदमी आके नहीं करता है। जिसको मैं बोल रहा हूँ उम्रा बदल गया है, तो उम्रा का उत्पन्न भी बढ़ गया है, जिसको बोलते हैं कि इकोनॉमिक चेंज इन उम्रा। ऐसा है कि पारसिक नगर में एक जमाने में जो फ्लैट 40,000 में 40 लाख में लिया था लोगों ने, आज वो फ्लैट 1.5 करोड़ में बेच रहे, 1.5 करोड़ में। क्यों? मैं लंबी बात नहीं बोल रहा हूँ, पिछले 10 साल की बात बोल रहा हूँ, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर बदल, रस्ते आए, स्टेशन बना, कलवा स्टेशन से ये बना वो बना, सब नजदीक आ गया, हाईवे नजदीक आ गया, तो अपने आप एरिया का महत्व। आज गोरबंदर रोड पे जाओ
हीरा नंदानी मेडोज पूछे में हीरा नंदानी स्टेट पूछने के लिए 1.5 घंटा लगता है, मुमराम के नजदीक कहीं पे पूछने के लिए ज्यादा से ज्यादा रिक्शा से तकलीफ हुई तो नहीं तो 10-15 मिनट में पहुंच जाते हो। कोई हालत कलवा में, कलवा में जहाँ कनेक्टिविटी नजदीक आती है वो शहर बदल जाता है और कनेक्टिविटी को ही वन पार्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। पिछले दिनों बयान दिया था कि एनसीपी के 6 से 7 नगर सेवक शिंदे गुट में शामिल हो रहे हैं, जिनको शुभकामना है मेरे साथ जो बैठे हैं वो मेरे अपने भाई है, इससे कोई फर्क नहीं करता है, अफवाहें फैलाओ कुछ नहीं होता है, लोग सभी के बारे में बुरा बात करते हैं लेकिन लोगों में अच्छाई होती है। और मेरे जितने भी उमरा के दोस्त यार है जिन्होंने भाई जैसा मुझसे प्यार करके मेरा साथ दिया है वो मेरी साथ छोड़ के लिए जाए। कल से कर में रेनी सीजन में एक्सीडेंट हुआ करते थे मेन का, 3-4 दिन पहले खुद हुआ है, अरे ज़ेब्रा क्रॉसिंग नहीं होने की वजह से। ऐसा है कि हमारे यहाँ एक तकलीफ ये है कि मोटरसाइकिल वालों को कौन रोकेगा, एमएम वैली पे हर माँ की कंप्लेंट है मेरे पास के साहब आके रात को देखो कैसे फीलिंग करते हैं। जिसमें हमको एडजस्ट करना है उसको, तो ये एआर पॉलिसी में हज हाउस आएगा, वो सिर्फ जो उर्दू घर है वो उर्दू घर के ऊपर कुछ मंजिलें बढ़ा के हज हाउस में होता क्या है, जो हज जाते हैं उनको रहने की सुविधा, एयरपोर्ट तक जाने की सुविधा, हमारे यहाँ से लोग आएंगे तो सिर्फ कोकण से लोग आएंगे, बराबर है ना। और ठीक है, लेकिन अपने यहाँ भी 201 घर बनाएंगे, अब ये बनाएंगे पर अभी मुंबई में ऑलरेडी ले लिया है, हर घर में ले लिया ना, एक प्रोजेक्ट आ गया ना उधर, जो अपना हिंदू घर जा रही है उर्दू घर बनेगा ऊपर हज हाउस बनेगा, बहुत हमारे पास बहुत ऐसा है जिसको हम तरीके